जमीन पर गड्ढे खुदवाने का विरोध करने पर ता बेटे ने 55 वर्षीय व्यक्ति पर किया कुल्हाड़ी से हमला। शिवपुरी जिले के सिरसो थाना क्षेत्र में रहने वाले मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की शाम उसके मामा दीपक शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा उम्र 55 साल अपने खेत पर गए हुए थे, जहां पड़ोसी बाबूलाल पांडे और उसका बेटा प्रमोद पांडे उसके खेत में गड्ढे खुदवा रहे थे, जिसका उसके मामा दीपक शर्मा ने विरोध किया तो पिता बेटे ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे शनिवार की देर शाम 7 बजे जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती करा दिया गया है, जहां से सिरसो थाना पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नाम ये आपका? कहाँ रहते हैं आप? सिरसो। अच्छा, ये कौन है आपके? मामा। क्या नाम है इनका? दीपक शर्मा। कैसे, क्या घटनाक्रम हुआ था इनके साथ में? ट्यूबवेल पर गए थे, जमीन में कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, गड्ढे मड्ढे खुदवा रहे थे, इन्होंने रोका, उन्होंने कुलवाड़ी से हमला कर दिया। किन लोगों ने हमला किया है? बाबूलाल पांडे और प्रमोद पांडे। अच्छा, खेत की बात है, फिर कैसे, किसने क्या बचाया? मैं लेट पहुंचा, दो यादव थे, उन्होंने बीच बचाया किया इनको। हमला कैसे किया है? कुल्हाड़ी से। कितने क्या टाँगे हैं? 20-22 के करीब टाँगे हैं। रिपोर्ट कर दीगा? कोई पुराना नहीं विवाद? नहीं, कुछ नहीं। तो जमीन गड्ढे खुदवा रहे थे, इन्होंने विरोध किया बस।